जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जगदलपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भाजपा द्वारा जगदलपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन दिन शुक्रवार को स्थानीय गुप्ता लान में आयोजित किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव, संभागीय प्रभारी भाजपा निरंजन सिन्हा, लोकसभा प्रभारी महेश जैन, जिला प्रभारी जी केवट विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने उद्बोधन और लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप को जिताने तथा मोदी का सरकार बनाने की कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा भरते नजर आए। अलग अलग जगह पर कार्यकर्ता सम्मेलन अलग अलग जिलों में चालू हो गए। विधानसभा बार आज ही जगदलपुर विधानसभा का हमारे बस्तर जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन है। इससे पहले बस्तर संभाग में बीजापुर विधानसभा और फिर सुकमा कोंटा विधानसभा, ये दो विधानसभाओं के कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। हमारे बूथ स्तर के अध्यक्ष शक्ति केंद्र के सहयोग से संचालित प्रभारी से लेकर मंडल के हमारे भाजपा के पदाधिकारी, मोर्चा के पदाधिकारी, हमारे प्रकोष्ठों के, हमारे जिले के पूरी टीम, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले की पूरी कार्य समिति, मंडल की कार्य समिति, मोर्चों की कार्य समिति सहित हमारे जनप्रतिनिधि, पूर्व के जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के नाते वर्तमान के जनप्रतिनिधि के जिला पंचायत सदस्य, पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी फोर्स है, नीचे तक जो काम करती है, उनके कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। और हम पूरे 90 विधानसभा में 23 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा अभी कुछ दिया इन्होंने बोल, मैं तो हमेशा बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, वो करके दिखाती है। अभी हमने दिखाया है मोदी जी की गारंटी, जी की गारंटी की योजनाओं का, ढाई महीने की सरकार, सिर्फ ढाई महीना, 90 दिन हुए हैं, तीन महीना में बहुत बड़ी बड़ी चार योजनाओं का, महतारी वंदन योजना का पैसा चला गया, 72 लाख से भी ज्यादा हमारी मातृ शक्तियों के खाते में डालने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा जो उनको भेजा है उनके खाते में डाला, पैसा भेजा है। उसी प्रकार हमारे 3,100 रुपए जो अंतर राशि थी 917 रुपए, वो भी उनके खाते में डालने का काम किया है, भेजने का काम किया है। उसी प्रकार से हमने 2 वर्ष के बकाया बोनस की राशि घोषणा की थी। चुनाव तो हम जीत चुके थे, जैसा कांग्रेस ने किया, 5 साल झुंझुना लटका के रखे थे, 36 घोषणाएं की थी, एक भी घोषणा का पूर्ण किया, जनता ने उसका उत्तर नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ जनता हमारी छत्तीसगढ़ में, वो पूरा समझते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन उन्होंने मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजनाओं को उनको उन तक पहुंचने से रोका गया 5 साल में। आप अपनी योजना में तो भेजे नहीं, भेजने की हिम्मत नहीं थी। प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री आवास को रोकने का काम उन्होंने किया, नल जल जल मिशन योजना का उन्होंने रोकने का काम किया। अब सभी कामों में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री आवास में कल ही हम लाभार्थियों के घर जाना हुआ था हमारा, बहुत प्रसन्नता थी। हम लोग अपना घर ले जाके दिखा रहे थे, नल दिखा रहे थे, अपना शौचालय दिखा रहे थे, हमारा खाता में ये पैसा आया है महतारी वंदन का, वो उन्होंने दिखाया, किसान भाइयों ने पैसा दिखाया कि हमारे खाते में जो 917 एक मुश्त भेजने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस तो जो कहने का ही काम करती है, करने को उन्होंने किया नहीं करी, वरना 5 साल में इनकी सरकार कैसे चले जाती। भाजपा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन तरह काम करती है, और जो लोग आ रहे उनको धोती है फिर नहीं। मैं क्या है कि मैं हल्की बातें मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, और मेरा स्वभाव में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी के भी बारे में, और वो उनका संगठन है, उनको काम करना है, कैसे काम करना है, पूरे देश में उनकी क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है, उनको ये भी आपको जवाब देना चाहिए। आप लोगों को ये भी पूछना चाहिए कि अभी तक ये 5 सीटों का क्या हुआ, चल अरे भारतीय जनता पार्टी ने देखिए कार्यक्रम ऊपर कार्यक्रम योजनाओं के साथ जा रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम धीरे दूर हैं। हमारे प्रत्याशी का दौरा भ्रमण पूरे 90 विधानसभा के स्तर पर, लोकसभा 11 लोकसभा में वो प्रत्याशी हो चुके हैं, हमारे लोकसभा के क्लस्टर बन गए, लोकसभा की कार्य समिति बन गई, कार्य समिति की बैठक चालू हो गई, हमारे विधानसभा स्तर की कार्य समिति प्रबंध समिति बन गई, उसकी बैठक हो गई, अब हम कार्यकर्ताओं के बीच जाना शुरू कर रहे हैं।